आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज 10 अप्रैल और संडे है। आज एक पवित्र दिन है, भगवान राम जी का जन्म दिवस है और ये पवित्र रामनवमी पर मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं है। और भगवान राम जी सबके मन से जो कलश है उसको दूर करके सबका मन को निर्मल करे, सबको अच्छा बुद्धि दे, ज्ञान दे, सबके जीवन में खुशियाँ दे। ये जल्दी भी उठ गया है और फ्रेश हो गया है, नहा के अच्छे कपड़े भी पहन लिया है और घर का मेरे जो सारे काम है वो भी हो गया है। घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करके सारे काम खत्म हो गया है, अब बस पूजा करेंगे। रामनवमी है और चलो भगवान जी का मॉर्निंग से कुछ पूजा करते हैं। इधर देखिए मैंने सूजी लिया है आधा कटोरी, देसी घी आधा कटोरी और चीनी भी आधा कटोरी लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ गार्निशिंग करने के लिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके हलवा में ऐड करने के लिए और उसमें मैंने ले लिया है इलायच। तो अभी चलते हैं, बनाएंगे हलवा, सूजी का हलवा बनाएंगे प्रसाद के लिए। तो ये मैंने कढ़ाई, मेरी जो अच्छी वाली कढ़ाई है उसको यूज़ किया है, उसको मैं बॉक्स में रखी हूँ। और कुछ मेरे तो सारे चीज़ ऐसे नॉनवेज हो गए हैं, तो ये मेरे कुछ दो चार सामान ऐसे कढ़ाई वगैरह है जो अच्छे वाले हैं। पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया है, अब सूजी को मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए मैंने जितना घी लिया था उतना ही सूजी लिया था, तो अभी सूजी को ना पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए सूजी अभी भून रहा है धीरे धीरे और मैं ना आँच को धीमी रखी हूँ। और ये जो एल्युमिनियम का कढ़ाई है ना, नहीं तो जल जाएगा। इधर में ना जो चीनी लिया था और जितना सूजी लिया था उसका 3 गुना पानी देके उसमें चीनी डाल के उसको बॉयल आने दूंगी। तो इस पानी को हम अभी सूजी में ऐड करेंगे। सूजी की देखिए कलर चेंज हो रहा है अब ना, धीरे धीरे देखिए कितना ब्राउन हो रहा है। देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया है, अब जल्दी जल्दी इसमें करछी चलाना पड़ता है नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और इधर जो मैं बैठाई थी पानी गर्म हो गया है, उस चीनी वाले पानी को चाशनी है नहीं है, जस्ट बॉयल होने वाला था तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूजी के साथ। अब देखिए अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसको ऐड करूँगी और जो छोटी इलायची को मैंने कूट लिया था उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको पकने के लिए रखते हैं। तो देखिए थोड़ी टाइम के बाद इसका सारे पानी सोख हो गया है सूजी के साथ और हमारा हलवा है ना बनके रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छा है। हमारा भगवान जी का प्रसाद तो रेडी हो गया है, अब उसको प्लेटिंग कर लेते हैं। और मैंने जो भगवान के पास पूजा करूँगी सारे बर्तन को क्लीन कर लिया है, उसमें से जो पूजा वाला थाली है उसमें अभी प्लेटिंग करेंगे। तो आज राम जी का जन्म दिवस है तो उनके जन्म दिवस पर कुछ अच्छा सा प्लेटिंग करते हैं, गार्निशिंग भी अच्छा सा करते हैं। वैसे तो रामनवमी का व्रत ना मैंने रखा नहीं है, पर जैसे कुछ भी पूजा होता है, कुछ भी त्यौहार वगैरह होता है उस दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होता है। घर का जैसे नॉर्मल पूजा उससे थोड़ा सा मैं स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो कुछ भी अभी देखिए मैं इसको गार्निशिंग कर रही हूँ, उसको ना छोटा कटोरी में डाल लिया, वो जैसे केक टाइप का कुछ बन जाए वैसे बना लिया है। अब वो ड्राई फ्रूट्स ऊपर में देके उसको गार्निशिंग भी कर लिया है। और इधर ना मैं तुलसा जी के लिए मैं थोड़ा सा निकाल दी हूँ प्रसाद, तो अभी तो हो गया प्रसाद। अभी उसके चारों तरफ ना और थोड़े से गार्निशिंग करते हैं, जब हमारा ये जो है ना हलवा बहुत टेस्टी लगे और भगवान जी के पास भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए केला में मैंने चारों तरफ से जो पतले पतले स्लाइड्स करके उसको लगा दिया, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख दिया है। तो फ्रेंड्स प्रसाद तो हमारा अभी रेडी हो गया है, अब भगवान जी का पूजा करते हैं। तो चलो अभी पूजा के लिए फूल निकाल लेंगे सारे के सारे। फूल हो गया, चंदन हो गया हमारा, सिंदूर हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया। तो अभी मैं भगवान जी को नहला दी हूँ, सारे भगवान जी से पुराना फूल निकाल के उनको नहला दी हूँ। तो अभी चंदन सिंदूर लगाएंगे, पहले लगाएंगे उनको चंदन,
अब लगाएंगे सिंदूर, अब उनको फूल अर्पण करेंगे। हो गया। ऐसे मेरे जो छोटा सा मंदिर है उसमें तो मैं सिर्फ भगवान जी का फोटो को रख के पूजा करती हूँ। तो इधर देखिए मेरे जो जितने भगवान जी का फोटो है उनमें से राधा कृष्ण का फोटो है और कान्हा जी का मूर्ति है, पर राम जी का कोई भी तस्वीर मेरे पास नहीं है। पर मैं ऐसे ही उनको पूजा कर दूँगी और इनका नाम लिखा है। और मेरे से देखो कितना बड़ा गलती हो गया, मेरे ध्यान ही नहीं आया, जब जय श्री राम लिखना था मैं जय स्र राम लिख दिया, मतलब जो श्री में ये बड़ी कर मात्रा देना भूल गई। तो ये मेरे कितने बड़े गलती हो गई, देखिए कितने पावन की दिन में। तो अभी मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ भगवान जी के पास, तो अगरबत्ती करूँगी, इसके बाद उनका पूजा करूँगी। अभी मैंने भगवान जी को धूप दीप सब कुछ प्रदान कर दिया है, अब भोग लगाएंगे उनकी। अभी तो हमारा पूजा संपूर्ण हो गया है। आज ब्रेकफास्ट में हलवा, रामनवमी स्पेशल। आज श्री राम जी के जन्मदिन पर देखिए हलवा का शेप हमने कैसे बना दिया है, और कृष्णा के बोलने से, और यह हार्ट शेप केक वाली हमने बना लिया है। अब इसको कट करेंगे। और देखिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं हलवा बना ली हूँ, और जो ये हलवा है ना बाद में मैंने बनाया, इसमें घी भी कम है और चीनी भी मैंने कम डाली हूँ, तो जो खाने लायक होगा, ज़्यादा मीठा होगा और ज़्यादा घी होगा तो उसको ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए हम थोड़ा ज़्यादा खाएंगे। इसको हमने हार्ट वाला शेप में केक जैसे काट लिया है, तो ये पहला पीस आप लोगों के लिए। आज लंच में मैं बनाऊँगी सिंपल खिचड़ी। ये चावल मैंने लिया है आधा कटोरी, और ये मूंग की दाल, कुछ मूंगफली, जीरा, अदरक और तेजपत्ता, और ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी लिया है। ये सारे पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। आधा कप मैंने चावल लिया है ना, इसका तीन गुना पानी ऐड करूँगी। जितना दाल लिया है उसका छः गुना मैं उसमें पानी ऐड करूँगी। तो सारे मिला के इतना पानी हो रहा है, तो ये पानी मैंने ले लिया है। तो चलो अभी खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैं दे रही हूँ देसी घी। इसके बाद ऐड कर रही हूँ जीरा, तेजपत्ता, जो अदरक रखे थे हमने वही अदरक, और पीनट्स। ये खिचड़ी में बिल्कुल सिंपल रखूंगी, वो लोग नहीं है ना हस्बैंड और बड़े लड़के मेरा बुबू, तो इसलिए मैं नॉर्मल सा खाना बना देती हूँ हमारे लिए। हल्दी पाउडर थोड़ा सा दे रही हूँ। अब थोड़ा सा हींग ऐड कर लूंगी। अब पानी, अब इसमें ऐड कर रही हूँ दाल और चावल। इसको मैंने साफ कर लिया है और दोबारा धुलाई भी कर लिया है। नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसको पकने के लिए रखते हैं।
परफेक्ट खिचड़ी बना हुआ है। ऐसी कंसिस्टेंसी में बनाने से ना परफेक्ट खिचड़ी बनता है। देखिए तो लॉन्च करते हैं चलो। तो हमारा खिचड़ी बहुत अच्छा रेडी हो गया है, मैं अभी सबके लिए लगाती हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए। ये तो कोई इतना है नहीं, पर बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे। कृष्णा के लिए और ये मेरे। तो देखिए खिचड़ी तो लाजवाब लग रहा है, और इसके साथ मैंने सलाद ले लिया है दोनों के लिए। तो हम ले रहे हैं खिचड़ी और सलाद का मज़ा। तो फ्रेंड्स अभी कृष्णा और मैं मिलके कर रहे हैं लंच। लंच करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। खिचड़ी कैसे बना हुआ है मैं एक बार टेस्ट करती हूँ। लाजवाब खिचड़ी बना हुआ है, बहुत टेस्टी लग रहा है। उसमें जो अदरक का खुशबू थोड़ा थोड़ा आ रहा है और जो जीरा का भी बहुत टेस्ट लग रहा है। बेस्ट खाना है। हस्बैंड होते ना ये चीज उनको सब पसंद नहीं है। मुझे ऐसे वाला चीज बिना मेहनत और कम मसालेदार चीज बहुत पसंद है। कृष्णा को भी बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स अभी खाना खा के आ गए हैं हम थोड़े से रेस्ट करने के लिए। तो आज का ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और बड़े वाले वो लड़का हस्बैंड अभी तक तो घर नहीं आए हैं, शाम को आएंगे तो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।